Welcome to today's video and welcome to our YouTube channel. Hope you're doing good guys. I'm back with another video और आज मैं आपके साथ share करूँगी सेलेट कॉस्ट की product जो मैं review कर रही हूँ यहाँ पे and ये मैंने खुद से नहीं purchase किया है. So सेलेट कॉस्ट ने मुझे 1500 rupees मेरे wallet पे दिया था and मुझे कहा था review करने के लिए. So जितने products हैं वो मैंने खुद select किया है अपने according. और आज मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सेलेट कॉस्ट में आपको बहुत ही चीप चीप चीजें मिलती है. आई नो बहुत लोगों को ये पता है. सो इनके पीछे की फिलॉसफी ये है कि होलसेल प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल सके एंड जिसके लिए उन्होंने वीआईपी मेंबरशिप एंड ग्रुप परचेज इंट्रोड्यूस करा है. तो अगर आप वीआईपी मेंबर बनते हैं विच इज लाइक 99 फॉर 7 डेज एंड 499 फॉर द होल ईयर देन आपकी शिपिंग फी एंड मेंबर सर्विस फी फ्री हो जाती है. You can become VIP with this code to save more money. जिसका कोड मैं यहाँ स्क्रीन पे दूंगी एंड ग्रुप परचेज की सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. सो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें. एंड नाउ विदाउट अ फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो. मेरी फर्स्ट आइटम है ये रेजर सेट. 3-piece रेजर सेट है ये एंड आपको ये अमेजोन और बहुत सारे साइट्स पे देखने को मिलेंगी. एक्चुअली मैं ये बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर भी यूज़ करते हैं अपने आईब्रोज के लिए, अपने फेस के हेयर रिमूव करने के लिए. सो ये मैंने काफ़ी सुना था बट इससे पहले मैंने कभी भी ट्राई नहीं करा था. सो ये मेरे फर्स्ट टाइम है. थोड़ा हैंडी होने में इसे टाइम लगेगा बट जैसे आप समझ जाओगे ना कि आपको कैसे करना है तो आप बहुत ईजिली कर लोगे. सो इसका नॉर्मल प्राइस है 56 रुपीज और वीआईपी मेंबर प्राइस है 45 रुपीज में 3-piece सेट. मैं इसे रिकमेंड करूंगी. आई रियली लाइक दिस वन. सो माय नेक्स्ट आइटम इज दिस ट्रैवल स्प्रे बॉटल. एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा हैंडी होता है अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा ही यूजफुल होती है. सो ये मुझे 1-piece मिली है एंड 1-piece मुझे 38 रुपीज की मिली है एंड अगर आप वीआईपी मेंबर हो तो ये 31 रुपीज की आपको पड़ेगी. सो माय नेक्स्ट आइटम इज दिस टूथब्रश बॉक्स. एक्चुअली ये टूथब्रश होल्डर बॉक्स है. सो ये मैंने ट्रैवलिंग के लिए लिया है क्योंकि हाइजीन के मामले में ये बहुत अच्छा है. आप इस पे ब्रश रखकर आराम से ऐसे कवर कर सकते हो तो बहुत हाइजीनिक है ये चीज बहुत अच्छी है. सो इसकी प्राइस है 40 रुपीज एच एंड वीआईपी प्राइस इज 32 रुपीज. तो मैं नेक्स्ट आइटम इज दिस क्लोथ डस्ट ब्रश. एक्चुअल में ये मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ. H&M एंड ज़ारा पे आपको बहुत इजीली मिल जाती है. सो मुझे यहाँ पे मिली तो मैंने सोचा एक ट्राई देती हूँ क्वालिटी वाइज. सो क्वालिटी क्वाइट इम्प्रेसिव है ये आप देख सकते हैं एंड अभी तो मेरे जैकेट में उतनी गंदगी नहीं है बट मैंने इसे ट्राई करा है ये काफी अच्छी है. सो इसे डस्ट रिमूव करने के लिए बहुत बेस्ट है स्पेशली विंटर्स के टाइम पे जब आप ब्लैक कलर की जैकेट्स पहनते हो उस पर कितनी ज्यादा व्हाइट रेशियां लग जाती हैं. इसका प्राइस है 229 रुपीज एंड वीआईपी प्राइस है 184 रुपीज जो कि बहुत ज्यादा सस्ती नहीं है क्योंकि H&M में आपको 300 की लाइक मिल जाती है. सो माय नेक्स्ट आइटम इज दिस फ्रिज कवर. डस्ट प्रूफ कवर है एक्चुअली ये लाइट ग्रीन कलर की है आप देख सकते हैं एंड इसकी लेंथ क्वाइट ठीक है एंड ये आपको यहाँ पे एक यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन कंपार्टमेंट इस तरफ मिलती है और तीन इस तरफ मिलती है. सो बहुत ज्यादा ये ट्रांसपेरेंट है बहुत ज्यादा लाइट वेट है एंड इसकी प्राइस है 90 रुपीज वीआईपी प्राइस है 72 रुपीज. तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये ठीक लगी. माय नेक्स्ट आइटम इज दिस स्पॉन्ज कैमरा होल्डर एंड सो आप मोबाइल के लिए इसे यूज कर सकते हैं लाइक इस तरीके से अगर आपको सेल्फी लेना हो. सो ये होल्ड बिल्कुल भी नहीं करता है आपको इसे इस तरीके से ही यूज करना पड़ेगा. सो इसका प्राइस है 139 रुपीज एंड वीआईपी प्राइस इज 112. सो माय नेक्स्ट आइटम इज दिस मिनी ग्लास परफ्यूम बॉटल. एक्चुअल में ये कुछ ज्यादा ही मिनी निकल गए. मैंने इतना छोटू सा एक्सपेक्ट नहीं किया था. मुझे लगा थोड़ा सा लंबाई में तो ये होगी बट परफ्यूम कैरी करने के लिए ठीक है. मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा यूज कर पाऊंगी. लेट्स सी देखते हैं किस तरीके से यूज होता है एंड फोटो में आप देखो कि काफी बड़ी लग रही है. मुझे इतनी नहीं लगी थी गलती. सो गलती मेरी है मैंने डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करा था. सो इसका प्राइस है 43 रुपीज एंड वीआईपी प्राइस इज 35 रुपीज. बिल्कुल भी यूजलेस है. आई डोंट रिकमेंड दिस वन क्योंकि आप इतनी छोटू सा बॉटल क्या करोगे लाइक. सो माय नेक्स्ट आइटम इज दिस इयररिंग. एक्चुअल में मैंने एक ही इयररिंग मंगाई है यहाँ से और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो मोती है वो निकल गई है. एक्चुअली मुझे निकली हुई ही रिसीव हुई थी तो ये मोती मैंने संभाल कर रखा है. पैकेट के अंदर थी मोती तो संभाल कर रखा है. मैं उसे चिपका दूंगी. बहुत ही कॉमन इयरिंग्स है ये एंड आप इसे बहुत सारे वेबसाइट पे देखा होगा लाइक क्लब फैक्ट्री शी इन रोमवे. सो इसकी प्राइस है 168 रुपीज एंड वीआईपी प्राइस इज 134 रुपीज. तो 134 रुपीज की है एंड मुझे ये पसंद आई. लाइक एथनिक वेयर जब भी मैं हॉल करती हूँ तो उसमें मैं आराम से इसे वेयर कर सकती हूँ.
My next item is this fan brush and its price is 75 rupees. VIP price is 60 rupees. So quality wise, मुझे 60 rupees के according मुझे ये पसंद आई. काफी soft brush है इसकी and you know लगाने में भी काफी अच्छी लगी मुझे. So I recommend this one also. My next item is this. ये छोटू सा USB केबल प्रोटेक्टर है. सो ये डेटा केबल प्रोटेक्टर है जो आप अपने चार्जर पे लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम चार्ज करते हैं और यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है और चार्जर वो पॉइंट से ख़राब हो जाती है. सो ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे ये काफ़ी पसंद आई. मैंने इसे यूज़ करा है, काफ़ी यूज़फुल है ये. सो आई रिकमेंड दिस वन एंड इसका प्राइस है ओनली 3 rupees. सो मैंने इसे काफ़ी सारा 3-4 मंगा लिया है. 3 rupees में मतलब और क्या चाहिए आपको. सो माई नेक्स्ट आइटम इज दिस ग्लास. आई डोंट नो मैंने ये क्यों मंगाया. सो इसे आप इसकी क्वालिटी बिल्कुल सरोजनी टाइप है, जो 100 rupees में वहां भी मिलती है और 100 rupees में यहां भी मिल रही है. और मैंने इसे क्यों मंगाया आई रियली डोंट नो. सो माई नेक्स्ट आइटम इज अगेन अ ट्राईपॉड. ये मेटल ट्राईपॉड है एंड थैंक गॉड मैंने मंगा लिया, क्योंकि ये खड़ी हो जा रही है. वो वाली बिल्कुल भी स्टैंड नहीं हो रही थी, ये स्टैंड हो जा रही है. तो ये चीज़ मुझे पसंद आई एंड प्राइस मैं स्क्रीन पे दे दूंगी आपको, क्योंकि राइट नाउ मेरा मोबाइल चार्ज पे है, वो डिस्चार्ज हो गया. एंड इस तरीके से आप लगा के आराम से अपना मोबाइल लगा के स्टैंड करें. सो आप फेस से रिलेटेड कोई भी वीडियो बना रहे हो टिकटॉक के या फिर इंस्टाग्राम के, तो उसके लिए बेस्ट है. और आप चाहो तो आप इसे आराम से ब्लॉगिंग भी कर सकते हो. तो ये मुझे पसंद आई, काफ़ी हैंडी लगी मुझे ये, एंड आई रिकमेंड दिस वन. सो माई नेक्स्ट आइटम इज दिस. ये देखिए आप, एंड आपको आराम से यहाँ पे मेरी आंखें नजर आ जाएंगी, नजर आ रही हैं. सो ये कैमरा या कोई दूरबीन नहीं है. सो ये है गार्लिक के छिलके पील ऑफ करने वाली. सो ये मैंने देखकर मंगा लिया. सो यहाँ पे गार्लिक रख के आपको लाइक यू करना है, एंड मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाया. जब मैं गार्लिक रख के यू कर रही हूँ तो गार्लिक बाहर चली जा रही है, और मेरे लिए ये बिल्कुल भी यूजफुल थिंग नहीं है और किसी के लिए नहीं होगी. हो सकता है माइट भी मुझे यूज करना नहीं आ रहा होगा, बट आप किस तरीके से यूज करोगे, लाइक ऐसे करोगे. अगर मैं इसे ऐसे भी यूज करती हूँ तो भी नहीं कुछ हो रहा है, ऐसे भी यूज करती हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है. तो ये मेरे लिए तो बिल्कुल बेकार है, एंड आई डोंट रिकमेंड दिस वन. माय नेक्स्ट आइटम इज दिस. ये 4-piece, ये 4-piece का ही सेट मिला है, जो कि अगर आप लेज वगैरह कुछ भी खाते हो तो अगर आपको किसी पैकेट को सील करना है तो इस तरीके से आप सील कर सकते हैं. सो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, मुझे काफ़ी पसंद आई. प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी क्वालिटी है. प्राइस मैं स्क्रीन पे दे दूंगी. एंड मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे पैकेट्स होते हैं जो ना सील करने होते हैं. सो ये मेरे नेक्स्ट आइटम है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसे मंगाया है. और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही यूजफुल चीज़ है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस. ये बहुत ही क्यूट सा पेंडेंट है, लाइक आप देख सकते हैं. एंड क्वालिटी इसकी बिल्कुल शीन की तरह है, जैसे शीन से मैं मंगाती हूँ इस तरीके की नेकलेस, बिल्कुल वैसी ही. और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ज़्यादा ही गॉर्जियस है ये. एंड 100 rupees से कम की पड़ी है, मैं स्क्रीन पे प्राइस दे दूंगी. और आई रिकमेंड दिस वन, क्योंकि शीन की क्वालिटी भी सेम होती है, तो क्वालिटी में मुझे कोई भी फर्क नज़र नहीं आई. एंड आई रियली लाइक दिस वन. सो माई लास्ट आइटम इज दिस. एक्चुअली ये 1-piece के लिए मैंने मंगाई है. सो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. मुझे ये काफ़ी टाइम से चाहिए थी. सो सेलेक्ट कॉस्ट में देखी तो मैंने ये ले लिया. बहुत ही अच्छी चीज़ है. अगर आप 1-piece पहन रहे हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको अंदर कुछ पहनना होता है या हॉट पैंट के अंदर कुछ पहनना होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एंड बहुत स्ट्रेचेबल है. मैं इसे वेयर कर चुकी हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है. सो आई रिकमेंड दिस वन ऑल्सो. प्राइस मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, सो चेक कर ले. That's it for today's video, guys. I hope ये video आपको पसंद आए. वैसे सेलेक्ट कॉस्ट में आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें मंगा सकती हैं. मैंने तो कुछ चीज़ें ट्राई करने के लिए मंगाई थी, बट वहाँ पे आपको बहुत ही यूजफुल चीज़ें मिल सकती हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से. तो एक बार ज़रूर चेक करें. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए. अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड कॉमेंट मुझे ज़रूर. एंड मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे.